हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज जो टॉपिक हम करेंगे ना गाइस दैट इज़ एचआर पॉलिसीज़ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होती हैं इनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं फ़ीचर्स हैं एंड देन व्हाई वी नीड एचआर पॉलिसीज़ इनकी हाँ इंपॉर्टेंस क्या है इनकी ज़रूरत क्या है और फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ की कौन कौन से टाइप की पॉलिसीज़ होती है तो दिस इज़ अ टॉपिक इन एच ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक होता है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होती हैं तो सबसे पहले गायज हम देखते हैं कि एच आर पॉलिसीज होता क्या है तो गाय ये ना एक स्टेटमेंट होती है जो कि एच आर का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके जो उनका नज़रिया होता है जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको ये बताती हैं और ये ब्रॉड फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे डिसीज़न लेंगे अब हमने एक बार पॉलिसी लेट डाउन कर दी है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लिखती हैं तो हमें बार बार एक बार एच पॉलिसी बन जाती है तो हमें हर एक टॉपिक पर हर एक बात के ऊपर हमें बार बार टॉप मैनेजमेंट से पूछना भी नहीं पड़ता उनसे बार बार रेफरेंस भी नहीं लेनी होती तो एच आर पॉलिसी एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंडक्ट करेगी एम्प्लॉइज़ के साथ वो सारा कुछ लिखा होता है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है रोड मैप प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को कि मैनेजर्स ने कैसे कंडक्ट करना है कैसे काम करना है विदाउट द रेफरेंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ की रेफरेंस इसलिए नहीं लेनी होगी क्योंकि जो हमारी एच आर पॉलिसी होती है वो हमारी हायर अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बाद ही बनती है ठीक है तो हमारी जो एच आर पॉलिसी है लेट डाउन करती है क्राइटेरिया को डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि हम कैसे डिसीजनस लेंगे हमारे एच आर के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कि कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की सिलेक्शन करेंगे एम्प्लॉयज़ की कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होगी सिलेक्शन होगी उनकी कैसे प्रमोशन करेंगे एंड देन सारी चीज़ों के बारे में इस पर लिखा होता है कि अगर वो कुछ मिसकंडक्ट करेंगे तो उनके साथ कैसे बिहेव किया जाएगा हर एक चीज़ हमारी एच आर पॉलिसी के अंदर लेट डाउन होती है तो डेल ने क्या कहा क्या डेफिनेशन दी एच आर पॉलिसीज की कि ह्यूमन रिसोर्स और लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि जो हमारी एच आर पॉलिसी हैं ये हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करती है उसको मतलब बताती है कि क्या रिलेशन होगा एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर लिखे होते हैं ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन क्या है? है उनको क्या नजरिया है रिक्रूटमेंट को लेकर सिलेक्शन को प्रमोशन डेवलपमेंट कंपनसीशन मोटिवेशन एंड अदरवाइज लर्निंग एंड डायरेक्टिंग पीपल इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कि किस हिसाब से वो... ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा का, कैसे ह्यूमन रिसोसिस को ट्रीट किया जाएगा इन सारी चीज़ों के लिए ये गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है और साइड बाय साइड गाइस आई टोल्ड यू कि ये जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको रोड मैप भी प्रोवाइड करती है कि जो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको कैसे काम करना है तो उनको एक तरीका बता देती है उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो एच पॉलिसीज़ हैं इनको बनाता कौन है तो गाइज़ जो एच पॉलिसीज़ है ना इनको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी एच की होती है मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट की होती है और टॉप मैनेजमेंट की होती है तो एच जो हमारी है ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सॉरी डिपार्टमेंट है ना वो इसको बना देता है पॉलिसी को लाइन मैनेजर की कंसल्टेशन लेकर उनसे बातचीत कर कर हमारी एच डिपार्टमेंट इसको बना देती है और एक बार जब ये हमारी पॉलिसी बन जाती है ना इसको फॉर्मुलेट करने से पहले टॉप मैनेजमेंट को ये पॉलिसी दिखाई जाती है कि उनसे पूछा जाता है कि इफ़ यू वांट एनी अल्टरेशन इन इट तो हम वो अल्टरेशन कर देंगे कि आई पॉलिसीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं तो अगर टॉप मैनेजमेंट कहती है कि हाँ जी द पॉलिसी इज़ ओके अप्रूवल दे देती है तो उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दिया जाता है तो हमारी पॉलिसी कौन बनाता है हमारी एच डिपार्टमेंट बनाती है लाइन मैनेजर के साथ कंसल्ट कर कर और इसके बाद वो ये जो बना देती है उसके बाद वो टॉप मैनेजमेंट को उसको दिखाती है उससे उनसे इनको अप्रूवल लेती है और जब वो अप्रूवल दे देते हैं वो बता देते हैं कि हाँ जी पॉलिसी सही है तो उसके बाद ये पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी जाती है तो लेट्स मूव टू कि क्या करैक्ट्रिस्टिक्स हैं हमारी एच आर पॉलिसी सबसे पहले तो ये एक्सप्रेस करती है हमारी इंटेंशन क्या है टॉप मैनेजमेंट की एच आर्स को लेकर उसके बाद ये ब्रॉड होती है ब्रॉड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं इसमें लिखा होता है कि सिलेक्शन कैसे होएगी रिक्रूटमेंट कैसे होएगी कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय के साथ बिहेव किया जाएगा अगर वो कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो लीक कर देंगे तो उनको कैसे पनिशमेंट करा जाएगा इन सारे मैटर्स के बारे में इसमें लिखा होता है लॉन्ग लास्टिंग होती है ये एक ही बार बनाई जाती है ऐसा नहीं होता कि बार बार पॉलिसी बना रहे हैं हर छह महीने में हर पांच महीने में बना रहे हैं नहीं एक पॉलिसी बना दी जाती है सारे एम्प्लॉय सर्कुलेट कर दी जाती है तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है उसके बाद इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स को एच को को पॉलिसी घुमा दी जाती है उन तक पहुंचा दी जाती है रिटर्न होती है इसके अंदर रिटर्न फॉर्म में सारा कुछ लिखा होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे सब होएगा इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के सिग्नेचर्स वगैरह भी होते हैं तो उस पर सब लिखा होता है कि कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव किया जाएगा फिर ये लिंक्ड होती है ऑब्जेक्टिव के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक होती है कि इस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है कि जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव है ना वो जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे से अचीव हो सके अब देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत महसूस हुई कि हमें ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों फील हुई हमें क्यों ऐसा लगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बना देनी चाहिए वैसे भी तो काम कर ही रहे थे ना हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सबसे पहले तो ये क्लियर थिंकिंग प्रोवाइड करती है ये सोच बताती है मैनेजमेंट की क्या रहेगी उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके तो ये क्लियर थिंकिंग प्रोवाइड करती है उसके बाद यूनिफॉमिलिटी एंड कॉन्ट कंसिस्टेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मिलिटी रहती है एक जैसा बिहेव किया जाता है सारों के साथ कंसिस्टेंसी रहती है फेवरिज्म डिस्क्रिमिनेशन इन चीज़ों से एम्प्लॉयज़ बच जाते हैं मतलब एक ही तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ के साथ जो बिहेव होगा तो कोई भी फेवरिज्म नहीं होगा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो इस पॉलिसी की इसलिए भी जरूरत महसूस हुई क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये लगता था कि वो मैनेजर का कर है तो मैनेजर वो उसको फेवर प्रोवाइड कर रहा है हमारे से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो पॉलिसी बना दी गई कि नहीं जी अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी कॉन्टीन्यूटी की हेरिटेज होती है वन जनरेशन टू एग्जीक्यूटिव टू अनदर मतलब क्या होता है कि मैनेजर्स हो गए एम्प्लॉयज हो गए वो हमेशा तो एक बंदा नहीं रहता ना वो चेंज होते रहते हैं तो क्या होता है ये कॉन्टिन्यूटी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर कल को मैनेजर चेंज भी हो जाता है तो उसको बता दिया जाता है कि हाँ जी आपकी ये पॉलिसी है आपको इस पॉलिसी के हिसाब से काम करना है तो ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है वरना अदरवाइज क्या होगा मिस्टर एक्स मैनेजर थे वो अलग तरीके से बिहेव करते थे मिस्टर वाई मैनेजर आए उनका तरीका उनका नजरिया अलग है बिहेव करने का तो इससे क्या होगा एम्प्लॉज़ को दिक्कत होएगी बट जस्ट बिकॉज ऑफ एच आर पॉलिसीज़ मिस्टर एक्स भी उसी हिसाब से बिहेव करेंगे एंड मिस्टर वाई भी उसी हिसाब से बिहेव करेंगे तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी इसके साथ बाई साइड इसमें क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है कि अथॉरिटीज़ की डेलीगेशन भी हो जाती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी रह गया एक बीच में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी महसूस होती है क्योंकि को पता है कि पर्टिकुलर मैटर में हमारे साथ पर्टिकुलरली बिहेव होगा तो उन्हें पता होता है कि ऑलरेडी ऐसे ऐसे डाउन रूल्स एंड उनको स्ट्रेस आउट नहीं होते उनको कोई दिक्कत नहीं आती उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग से कि कैसे डिसीजन लेना है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज भी हो जाती है मैनेजर को पता होता है कि उसने डेलीगेशन कैसे करनी है अथॉरिटीज की उसके बाद ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ऑरिएियंटेशन क्या होता है ना कि इसके अंदर लिखा होता है कि कैसे हमने ओरिएटेशन होएगी कैसे ट्रेनिंग देंगे हम हमारे न्यू एम्प्लॉइज़ को तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी क्लियरली लिखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें पता है कि हाँ जी हमने ऐसे ही ट्रेनिंग देनी है तो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलरली एक ही जैसे ट्रेंड हुएंगे अच्छे से काम करेंगे अदरवाइज अगर कोई पॉलिसी ना हो ना पता हो कि कैसे ट्रेन करना है एक एम्प्लॉय को किसी और तरीके से ट्रेन कर दिया दूसरे एम्प्लॉय को किसी और तरीके से ट्रेन कर दिया तो इससे इश्यूज राइज हो जाते हैं उसके बट टीम वर्क एंड लोयलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इससे क्या होता है कि ना अब जब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे साथ ऐसे बिहेव होएगा ऐसे ऐसे यहाँ की पॉलिसीज़ हैं ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं प्रमोशन होता है ऐसे रिक्रूटमेंट होती है तो ना वो लॉयल हो जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टू उनको ये पता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भेदभाव हमारे साथ नहीं होगा सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही तरीके से देखा जाएगा तो इससे टीम वर्क भी वो बिल्डअप होता है उनके अंदर वो लॉयल भी रहते हैं इससे कंट्रोल भी एस्टेब्लिश होता है क्योंकि एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी तो दैट्स वाई कंट्रोल भी इनसे एस्टेब्लिश रहता है और ये डिसीजन मेकिंग भी प्रमोट करते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स कि हमें क्यों हमारी एच आर पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी हम चाहते थे कि हमारे एम्प्लॉयज़ के डिस्क्रिमिनेशन ना हो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव ना किया जाए उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए अगर मतलब कॉन्टीन्यूटी रहे स्टेबिलिटी रहे अगर कोई उनका मैनेजर इन फ्यूचर चेंज हो जाता है तो वो एक ही तरीके से बिहेव करे हर मैनेज क्योंकि हर पर्सन का अपना नज़रिया होता है कि सब एक ही तरीके से बिहेव करें उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि देखते हैं कि कितने टाइप्स की होती है हमारे हमारी 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 तो तो के पे तीन की होती है तो है और्जी नेटीड़। और्जी नेटीड़ है सबसे पहले आती होता कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने पॉलिसी बना दी है तो सीनियर्स ने पॉलिसी बना दी है उन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है तो दीज आर दर्जिनेटेड पॉलिसी उसके बाद अपील्ड पॉलिसी क्या होती है ना अपील पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि सब ऑर्डिनेट की रिक्वेस्ट पे टॉप मैनेजमेंट या फिर हमारी जो एच डिपार्टमेंट है वो बनाती है वो उन टॉपिक्स पे बनाई जाती है उन बातों पे बनाई जाती है जिन पर्टिकुलर केस के ऊपर अभी तक पॉलिसी नहीं थी या जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंदर वो पर्टिकुलर सिचुएशन कवर अप नहीं थी तो दीज पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट हुट टू नो हाउ टू हैंडल सम सिचुएशन कि उनको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें उनकी पहली जो पॉलिसी बनी हुई है उसके अंदर उसके उस सिचुएशन के बारे में नहीं लिखा हुआ रूल्स रेगुलेशन को तो वो कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट आप बताएं कि हम कैसे इस सिचुएशन के अंदर बिहेव करें तो हमारी जो ऐसी पॉलिसी जो कि सब ऑर्डिनेट्स की अपील पे रिक्वेस्ट पे बनाई जाती है उसको हम अपील पॉलिसी कहते हैं इम्पोज पॉलिस इम्पोज पॉलिसी क्या होती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करनी ही होती हैं वो बाहर की जो एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे सरकार हो गई उनकी द्वारा बनाई जाती है वो उनके खुद इनबिल्ड नहीं होती वो बाहर से इम्पोज होती हैं उनके ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसा कह दिया गया जैसे ट्रेड यूनियन हो गई एम्प्लॉयज़ हो गए ट्रेड एसोसिएशन हो गए इनकी बनाई हुई पॉलिसी जो कि एक कंपनी को मस्ट है फॉलो करनी ही होंगी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि चाइल्ड लेबर इस बैंड की चौदह साल से नीचे का जो पर्सन है वो बच्चा है वो काम नहीं करेगा तो ये जो

एट ऑल लेवल्स इन द जनरल पॉलिसी उसके बाद हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होगी जनरल तो नॉर्मल पॉलिसी हो गई कि जो एक कॉमन पॉलिसी है हर बेटर की उसके बाद स्पेसिफिक पॉलिसी हो गई जो स्पेसिफिक बातों से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टाफिंग कम्पनसेशन कोलेक्टिव बार्गनिंग से रिलेटेड कि जब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है तो ये हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी हो गई कि

प्रमोशन मिला गया तो एक एंटरप्राइज के अंदर ये है प्रमोशन का सिस्टम तो हमने अंदाजा लगा लिया कि जी इस हिसाब से होता है तो ये होता है इम्प्लिसिट पॉलिसीज़, फॉर एग्जाम्पल इन द एबसेंस ऑफ एनीथिंग इन राइटिंग प्रमोशन पॉलिसी ऑफ़ एन एंटरप्राइज कैन बी इन्फर्म बाय द वे ऑफ प्रमोशन हैज़ बीन मेड कि कैसे प्रमोशन बनाया जाता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि एच आर पॉलिसीज का जो स्टेप्स हैं उसको फॉर्मुलेट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं कैसे कैसे एच आर पॉलिसी बनाई जाती है और हम स्कोप भी देखेंगे कि एच आर पॉलिसी का स्कोप क्या है तो हम नेक्स्ट वीडियो इसमें करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स तो आज हमने क्या देखा है कि हमारी जो पॉलिसी होती है एच आर पॉलिसी उसका क्या मतलब है उसके बाद उसकी क्या करैक्टिस्टिक्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है और हमारी एच आर पॉलिसी कितने टाइम की है तो दीज आर ऑल अबाउट एच आर पॉलिसी की जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉलिसी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो एच आर पॉलिसीज़ होती हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छी लगी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय